वहीं निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वहीं निलंबित कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि हमने आवाज उठाई, इसलिए हमें निलंबित किया गया, इसीलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद भवन परिसर में साइलेंट प्रोटेस्ट यहां पर किया है। जो निलंबित सांसद हुए हैं उनके साथ जो अन्य सांसद वो मौजूद रहे हैं। डेरेक ओब्रायन भी अलग टी शर्ट पहने हुए हैं, मौन व्रत रखा हुआ है और विरोध प्रदर्शन पीछे गांधी प्रतिमा के पास। प्रमोद तिवारी जी, आपसे बात कर लेते हैं, जो प्रदर्शन है यहाँ पर और इसके जरिए क्या मैसेज आप दे रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या होते हम देख रहे हैं, अंदर बोल नहीं सकते, बोलने नहीं दिया जाता, बाहर आते हैं अपनी बात कहते हैं, लेकिन हम तो सदन के अंदर चुन के आए हैं, हमें अपनी बात कहनी दी जाए, अपना विरोध दर्ज करने दिया जाए। कुल मिलाकर ऐसी लोकतंत्र की हत्या भाजपा जो करा रही, इसके पहले कभी नहीं हुई। और पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं वो दृश्य जहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, जिसमें अन्य जो निलंबित सांसद है वो मौजूद रहे हैं गांधी प्रतिमा के पास, ये प्रदर्शन हुआ है। मणिकम टैगोर जी, प्रदर्शन और मौन व्रत का ये प्रदर्शन, क्या मैसेज आप दे रहे हैं? यहाँ लोकतंत्र खतरा में है और यहाँ अपोजिशन पार्टीज का एमपी का सस्पेंड कर रहे हैं और बीजेपी का एमपी किसने इंट्रूडर्स का अंदर भेजा है पास देके, उसका स्वागत हो रही है और अमित शाह जी का जवाब मांगने वाला एमपी का सस्पेंड किया जा रहा है। ये यहाँ लोकतंत्र का ये स्थिति बन गया इंडिया का नया पार्लियामेंट में। अपोजिशन पार्टीज का बोलने नहीं देते और अमित शाह का स्टेटमेंट नहीं देते और अपोजिशन पार्टीज का सस्पेंड करते, और इसलिए विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है निलंबित सांसदों ने, अन्य विपक्षी सांसद भी यहाँ पर मौजूद रही हैं और इसके जरिए उन्होंने जवाब मांगे हैं और खास तौर से प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कई बातें रखी हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।